नमस्कार दोस्तों, हिंदी चैनल पे सीनियर चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, नेशनल टीम चैंपियनशिप शुरू हो गई है और अहमदाबाद में आज से शुरू हो गई है और काफी सारी टीमें मुकाबला खेल रही हैं। मुख्य जो टीम है वो है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड, एयर इंडिया, एयर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवेज। तो खैर, आज जो मुकाबले हुए काफी सारे मुकाबले हुए और आज अधिकतर जो टीमें थी आप कह सकते हैं कि पहले राउंड में आसान मुकाबले मिले। बट एक मुकाबला जो मैंने चुना है दिखाने के लिए वो है अधिबन भास्करन ने खेला चंद्रजीत सिंह राजावत जो कि राजस्थान के खिलाड़ी थे उनके खिलाफ, और जो जीत दर्ज की वो बड़ी रोचक हुई, जो अंत था वो बड़ा रोचक हुआ। तो आइए देखते हैं और इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि जब आप सुपर ग्रैंड मास्टर के सामने खेल रहे हो तो फिर आपकी एक मामूली सी गलती भी जो है वो कितना भारी पड़ सकती है और किस तरह के ट्रैप्स में आप फंस सकते हैं वो भी आपको नजर आएगा। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको दिखा देता हूँ स्कोर बोर्ड जो आप अभी देख रहे हैं। जो आज के मुकाबले हुए आप देख सकते हैं पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड 4-0 से जीता है, तो रेलवे भी 4-0 से गुजरात को पराजित किया, गुजरात बी को, और महाराष्ट्र बी को पराजित किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तेलंगाना 4-0 से जीती है राजस्थान की मेन टीम से। उत्तर प्रदेश हारा है एयर इंडिया से 3.5 से, तो 4-0 से रेलवे बी ने सर्विसेस को हराया है। यहाँ पर बिहार हारा है बिहार सी की टीम, ओडिशा ए से हारी है, तो दिल्ली बी जो है उसने गुजरात सी को 4-0 से हराया है। महाराष्ट्र गुजरात से हार गया है गुजरात की मेन टीम से, LIC ने 4-0 से शुरुआत की है। तमिलनाडु भी 3.5 से जीत के शुरुआत की है। तो इस तरह से मैच चल रहा है और आप देख सकते हैं कि काफी सारा यहाँ पे स्कोर बोर्ड है। मध्य प्रदेश भी 4-0 से जीता है, बिहार भी 4-0 से, तो काफी सारी जो आप कह सकते हैं कि एक तरफा जो है वो परिणाम बहुत सारे आज जो है नजर आए और कोई ऐसा खास उलटफेर आज है नहीं। खैर, बात करते हैं अधिबन भास्करन के मुकाबले के। अधिबन 2654 के रेटेड हैं, भारत के आप कह सकते हैं सुपर ग्रैंड मास्टर है, इंडियन टीम में ओलंपियाड में लगातार रिप्रेजेंटेशन करते आ रहे हैं। पिछला समय बहुत ज्यादा कुछ अच्छा गया नहीं अधिबन का, लेकिन नजर डालते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। अधिबन काले मोरों से खेल रहे थे यहाँ पर और चंद्रजीत जो है वो सफेद मोरों से मुकाबला खेल रहे थे। मुकाबला शुरू होता है D4, नाइट F6, बिशप F4, लंदन सिस्टम लगाने की कोशिश यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट। अब आप देखिए कि अधिबन कैसे जवाब देते हैं। अधिबन खेलते हैं C5, ओके, E3, G6, नाइट C3, Cd4, Ed4, Bg7 यहाँ पर, Qd2। तो एक प्रकार से व्हाइट का जो इंटेंशन है वो इस डार्क कलर पर कंट्रोल करने का हो सकता है, फ्यूचर में इस बिशप को एक्सचेंज किया जाए। लॉन्ग कैसल का भी इंटेंशन यहाँ पर दिखता है। H5 खेला यहाँ पर पहले तो अधिबन ने, ताकि बिशप H6 वगैरह अवॉइड किया जा सके। नाइट F3, D5, और अब ये एक्चुअली ये मौका था कि जब व्हाइट सब कुछ ठीक कर रहा है और व्हाइट यहाँ पे सिंपल BD3 खेलते हुए गेम को कंटिन्यू कर सकता है और व्हाइट के पास स्लाइट मार्जिन, स्लाइट एज यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन गेम में क्या होता है, गेम में ये जो आपको C7 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर चंद्रजीत जो है वो खेलते हैं यहाँ पे नाइट B5 और नाइट C7 आ रहा है। तो लेकिन अधिबन ने यहाँ पर कैसल कर लिया और ये एक तरह का ट्रैप था कि आप नाइट C7 एक्चुअली में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक बात ध्यान देने की ये है कि अभी आपने E4 का स्क्वायर छोड़ा है जब आप B5 के स्क्वायर पर गए हैं, ओके। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और चंद्रजीत खेल देते हैं नाइट C7। उन्होंने देखा जांचा परखा होगा अपने हिसाब से, बट नाइट C7 अब यहाँ पर क्या चाल मिस कर गए चंद्रजीत, आप पॉज करके सोच सकते हैं, मुझे लगता है कि मिल जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो नाइट E4 आया, क्वीन E3 एंड देन E5। तो E5 जो मूव था वो यहाँ पर मिस कर गए। अभी आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं खेल सकते हैं समथिंग लाइक बिशप इंटू E5, तो बिशप इंटू E5, नाइट इंटू E5, तो क्वीन इंटू C7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है वो पीस डाउन हो जाएगा यहाँ पर वाइट, ओके। तो खैर, उन्होंने क्या खेला, उन्होंने यहाँ पे खेला E5 पर नाइट इंटू E5, ओके। अधिबन का कैलकुलेशन पहले से ही क्लियर था, ये सब मुझे लगता है कि उनकी तैयारी का हिस्सा था और उसमें फंसते चले गए चंद्रजीत। तो यहाँ पर साफ दिखता है कि सुपर ग्रैंड मास्टर का जो स्तर है वो कितना कभी कभी हाई हो जाता है लोअर रेटेड प्लेयर के लिए। क्वीन इंटू C7, अब आप देखिए तो यहाँ पर चंद्रजीत ने बहुत कोशिश की, ढूंढा कि भाई पीस तो जा चुका है पूरा, तो कम से कम दो पीस देकर यहाँ पर और पॉन देकर के रुकी मिल जाए। तो उन्होंने खेला डिस्कवर्ड अटैक करते हुए नाइट इंटू G6, ओके। तो अब यहाँ पर अधिबन खेलते हैं क्वीन A5 और ये इंटरमीडिएट मूव होता है जो कई बार खिलाड़ियों से मिस हो जाता है, जिन्होंने भी आनंद का गेम देखा था, आनंद जी का मैच हमने बनाया था 2 दिन पहले। इंटरमीडिएट मूव जहां पर आप सोचते हो अरे यहाँ पे तो मार रहा फोर्स है ऑलमोस्ट, या यहाँ पे तो क्वीन को बचाना फोर्स है, बट आप मिस क्या कर गए, चेक।
अब यहां पर भी काफी सोचने के बाद जो है उन्होंने जो चाल चली यहाँ पे वो डायरेक्ट इस तरह से नहीं खेल सकते कि C3 वगैरह खेल दिया क्योंकि दूसरा पीस चला जाएगा, तो यहाँ पर मजबूरन उन्हें खेलना पड़ा क्वीन E5 पे B4 एंड नाउ अधिवन ने खेला क्वीन इनटू B4 C3 क्वीन इनटू C3 क्वीन इनटू C3 नाइट इनटू C3 नाइट इनटू F8 और यहाँ पर अधिवन जो है ऑलरेडी जो आप अगर आप कंपेयर करेंगे तो पॉन तो है वो दोनों प्लेयर्स के पास पॉन जो है वो बराबर है यहाँ पर, लेकिन जो मेन अंतर आपको यहाँ पर नजर आएगा वो है कि रुक के बदले बिशप, बिशप के बदले दो बिशप, नाइट जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वो तो ट्रैप हो जाएगा तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, दो बिशप के बदले दो बिशप है लेकिन एक रुक के बदले दो नाइट यहाँ पर हैं किसके पास, ब्लैक के पास, तो और ब्लैक के पीसेस भी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अधिवन ने खेला नाइट C6 क्योंकि उनको पता है कि इस नाइट को तो कभी भी मारा जा सकता है। व्हाइट ने खेला BD3 बिशप इंटू F8 एंड नाउ किंग D2। अब अगर आप ये पोजीशन देखेंगे तो ऐसा लगता है कि व्हाइट थोड़ा रिकवर करना शुरू कर रहा है, लेकिन इसमें जो अगली चाल आती है अधिवन की तरफ से बिशप B4 और यहाँ के बाद जो उनका कैलकुलेशन है जो ऑलरेडी बोर्ड पर उनका कंट्रोल था वो डेंजरस था। यहाँ पर चंद्रजीत ने जो है वो एक बार फिर लाइट मूव खेला, उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा, उन्होंने खेला A3 बट नाइट E4 डबल चेक आया अधिवन को, यहाँ पर वो और भी कुछ जा सकते थे समथिंग लाइक किंग E2 तो, पर नाइट इनटू D4 चेक आता, किंग आप और कहीं तो जा नहीं सकते इस तरीके से वरना ये चेक भी आ जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा अल्टीमेटली किंग F1 और यहाँ पर अगर जाते हैं तो नाइट D2 चेक आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर आप देखें कि अंदर की तरफ जाते हैं और किंग G1 वगैरह तो डेफिनेटली ये जो है गेम वैसे भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक के जो है वो पाले में यहाँ पर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने अगर आप किंग F1 खेलते हैं और इस तरफ आते हैं तो नाइट D2 पर अगर किंग E1 सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डिस्कवर चेक आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर गेम फंस रहा था तो उन्होंने खेल दिया किंग E3 बट वो मिस कर गए मुझे लगता है BD2 और अब यहाँ पर गेम खत्म ही था। अगर आप किंग E2 भी आते नाइट D4 चेक किंग F1 बिशप इनटू F4 तो पीस पे पीस जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये पोजीशन आने के बाद चंद्रजीत ने भी सोचा कि अब मरना तो है यही है, गेम तो जा ही रहा है तो क्यों ना चेकमेट ही करा ली जाए और कोई ऑप्शन नजर नहीं आया, उन्होंने खेल दिया किंग F3 नाइट इनटू D4 भी चेकमेट हो रही थी बट अधिवन ने अपना आखिरी जो पीस है जो कि बोर्ड पर एक और पीस निकालते हुए यहाँ पे BG4 चलते हुए चेकमेट की तो एक गेम खत्म हुआ। लेसन यही है कि सुपर ग्रैंड मास्टर के खिलाफ भी आप खेल रहे हो तो चेस के रूल ना तोड़ें, जीतने के लिए आप लालायत हो लेकिन और खासतौर पर जब वो इस तरह के मूव्स आपको दें कि कैसल करने पर नाइट C7 आ रहा है, खासतौर पर यहाँ पर आप देखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खिलाड़ी खेल रहा है, यहाँ पर आप चुपचाप जो है ओपनिंग के रूल फॉलो करिए, डेवलपमेंट करिए तभी जो गेम है वो ज्यादा देर तक चलेगा और आप कम से कम खेलने का मजा ले पाएंगे और इस तरह की जो हार है वो नहीं होगी कम से कम और आपको कुछ शतरंज खेलने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों नेशनल टीम चैंपियनशिप पर हमारी नजर बनी रहेगी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देखते रहिए चेस प्लस इंडिया। अगर आप हिंदी में शतरंज को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर के आप हमें मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं अपना और अपने सुझाव जो है वो हमें जरूर भेजते रहिए। इस वीडियो को अगर आप पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें। चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।